अध्याय के 23वां और 24वां श्लोक है। शास्त्र विधि मुत सज्ज वर्तते काम का अर्थ है, न से सिद्धि वापनोति न सुखम न पराम गति तस्माच्छास्त्रम प्रमाणम ते कार्य अकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्तु निहारः। Explain that and tell us how to pursue toward the fulfillment of his command, Lord Krishna's command to all of us. भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि शास्त्रों के अनुसार अपने पता करिए आपकी ड्यूटीज क्या है, आपके उद्देश्य क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है, वो शास्त्रों से पता करिए। उस दिन ये बात चली थी कि हर एक व्यक्ति का अलग अलग कर्तव्य है, ये कहा कर्तव्य सबका एक नहीं। माँ का कर्तव्य अलग है, बेटी का कर्तव्य अलग है, पत्नी का कर्तव्य अलग है, पिता का कर्तव्य अलग है, पुत्र का कर्तव्य अलग है, मालिक का कर्तव्य अलग है, नौकर का कर्तव्य अलग है। मैंने ये कहा था जब आपने पूछा था कि सबके लिए एक कर्तव्य कौन सा है भगवान, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि एक आज्ञा है गीता में सबके लिए है। शास्त्र बहुवचन में तो जितने अलग अलग है पार्टी उतने अलग अलग शास्त्र, जैसे चार वर्ण है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, चारों के शास्त्र अलग अलग, चारों की कर्तव्य अलग अलग है, फिर चार ही आश्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, चारों के कर्म अलग अलग है, कर्तव्य अलग अलग है और चारों के शास्त्र अलग अलग है। दुर्भाग्य से आज उनको भूल गए हैं, उससे अलग हो गए हैं, फिर भी हमने नकली शास्त्र बना रखे और नकली वर्ण भी बना रखे और नकली आश्रम भी बना रखे। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो पहले पवित्र थे वो तो अब नष्ट हो गए, लेकिन अभी भी है एजुकेशन डिपार्टमेंट शिक्षा का काम करता, मिलिट्री डिपार्टमेंट रक्षा का काम करता है, कमर्शियल डिपार्टमेंट बिजनेस का काम करता है और इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट ये कारखाने वगैरह का शुद्रों का काम करते। तो चारों ही चीजें आज भी चलती पर उनका बिगड़ा हुआ रूप है, इसलिए आज अशांति है और पहले शांति होती थी, पर ये तो अलग अलग हुई। किसका क्या कर्तव्य है सबके साथ, फिर उसके अंदर भी एक जात में कई जात हैं, एक वैश्य में कई वैश्य, एक ब्राह्मण में कई ब्राह्मण, पहले भी थे और आज भी है, कई डिपार्टमेंट है अलग अलग कमर्शियल लाइन के,
डिपार्टमेंट है अलग अलग पुलिस के और मिलिट्री के, कई डिपार्टमेंट है अलग एजुकेशन डिपार्टमेंट के, कई तरह का एजुकेशन है। मैं आज ये कह करके क्योंकि आपने ज्यादा एक बताओ सबके लिए एक क्या है, बात सही भी है। गीता ईश्वर की वाणी है, तो ईश्वर एक है, तो धर्म भी एक है और सूर्य भी एक ही है, पवन भी एक ही है और सबके लिए जितने प्राणी हैं इनके लिए गीता का एक वो अगर आज समझ में आ जाए फिर संसार स्वर्ग बन जाएगा, फिर लोग सुखी हो जाएंगे, फिर अशांति दूर हो जाएगी, फिर डर और भय और खतरे जो आजकल सबको है, पड़ोसी को पड़ोसी से कतरा है, एक अपनों को दूसरे अपनों से कतरा है, जैसे पाकिस्तान को हिंदुस्तान से कतरा है, हिंदुस्तान को पाकिस्तान से कतरा है, सास को बहू से कतरा है, बहू को सास से कतरा है, पति को पत्नी से कतरा है, पत्नी को पति से कतरा है, नौकर को मालिक से कतरा है, मालिक को नौकर से कतरा है, आज सब खतरे में है क्योंकि सही मार्ग से हम भटक रहे हैं। गीता हमको इसे सही मार्ग पर ला सकती है, दूसरे की सामर्थ्य नहीं है कि वो आपको सही मार्ग पर ला सके। कोशिश सब कर रहे हैं, कोई कहते हैं पैसों से हम सबको ले आएंगे, लेकिन पैसा असमर्थ रहा हमको एक कर देंगे, दूसरों ने कहा नहीं तलवार से हम एक कर देंगे सबको, लेकिन तलवार भी फेल हो गई। अब सोचें कि नहीं पिस्तौलें रिवॉल्वर और बम के गोलों से ये सब सीधे हो जाएंगे, लेकिन वो भी फेल हो गए। एकत्र की स्थापना ये नहीं कर सके हैं और न कर सकेंगे, तो उसके लिए मैं आज आपको थोड़ा सा पहले गीता का परिचय करा दूं, उसके बाद वो एक चीज बता दूंगा जो सबके लिए और उसमें आनंद ही आनंद होगा। फिर किसी गवर्नमेंट ने आज तक जो काम नहीं किया वो आप कर रहे हैं। गीता का परिचय क्या है कि कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरव और पांडव इकट्ठे हुए लड़ने के लिए, एक तरफ कौरव सेना दूसरी तरफ पांडव, एक का मुंह पूरब में दूसरे का मुंह पश्चिम, जिनका मुंह पूरब में है उनका प्रकाश की तरफ ज्ञान की तरफ मुंह है और जिनका मुंह पश्चिम में है उनका प्रकाश की तरफ पीठ है और उनके आगे अंधकार है, परछाई होती है ना। अर्जुन ऐसे समय में कृष्ण महाराज से पूछता है कि कहता है कि मेरे रथ को बीच में खड़ा कर दो, मैं देखना चाहता हूं मुझे किससे लड़ना है। बड़े आश्चर्य की बात है, इतनी फौजें इकट्ठी करी, कहीं करोड़ आदमी आए दोनों तरफ से और सब कुरुक्षेत्र के मैदान में इकट्ठे हुए और इकट्ठे करने में इनको कई ऐसा लगा, अर्जुन को यह पता ही नहीं था कि किसे लड़ना है, चले की बात है। अब कहता है मैं देखना चाहता हूं ये किससे लड़ता है, शब्द है पहले अध्याय में कई मया सदयोधव्यम अस्मिन रण संयमे, इस युद्ध रूपी व्यापार में मुझे किसके साथ लड़ना है ये मैं देखना चाहता हूं। कहने की देवी थी, भगवान ने दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा कर दिया और किया काम पर भीष्म और द्रोण के पास। एक
देखते ही अर्जुन ने कह दिया मैं कारण क्या है सब मेरे रिश्तेदार माथुरा ससुरा पौत्रा श्यारा संबंधा ये मेरे सारे ददरे चाचे सब ये सब मर जाएंगे मैं इनको मारने के लिए लड़ने के लिए तैयार हूं। अब इस पर प्रश्न उठता है कि क्या पहले अर्जुन जब आया था फौज लेकर के उसको पता नहीं था कि मुझे भाइयों से लड़ना है कौरवों से लड़ना है? क्या उस समय वो जापानियों से लड़ने के लिए आया था या चीन से लड़ने के लिए? ऐसी बात नहीं है, इसको खुलासा मैं कर दू। आचा भगवान ने देखा ये मना करता है तो भगवान ने गाली बड़ी बुरी गाली बड़े आदमी तो बड़ी भाषा में देते हैं गाली गंदे आदमी गंदी भाषा में गाली देते भगवान ने अच्छी भाषा में दी गाली लेकिन गालियां की बड़ी गंदी इससे ज्यादा बड़ी गाली कोई हो नहीं सकती। हालांकि उसने बड़ी धर्म की बात कही अर्जुन ने कि मेरी को मैं मारूंगा ये सब मेरी बहू है बेटियां सारी विधवा हो गई तो जिनको शादी करके मैंने बैंड बजा के लाया था और उनके माथे का साफ करके विधवा कर दूंगा जन्म भर तक वो बड़ी गलती में हो गई बिचारी कि मैं नहीं करूंगा और फिर जब पिंडोदक क्रिया नहीं होगी तो हमारे पिता जो स्वर्ग में वो भी नरक में चले जाए ऐसा धंधा काम नहीं करने के लिए तैयार हूं। बड़ी बात है धर्म की भी कही है लेकिन भगवान के ऊपर कोई बात ऐसा नहीं कही। उसने यहां तक कहा मैं भीख मांग के खा लू कि अपना जीवन बिता दूंगा बाबा जी सतमुज अगर मैं होता ना उस समय मैं तो अर्जुन को कहता बेटा बन जा चेला मेरा बन जा तुम मान के लाना ये देने वाली देवियां चिंता रहे ये सबको देखती है ये सोचती नहीं है कि इसको देना चाहिए बेटा पर दे दी तू ले आना और हम तुम खाएंगे और मजे से पेट के ऊपर हाथते रहेंगे। लेकिन वहां तो भगवान कृष्ण थे ये सुनते ही उन्होंने चार गाड़ियां दी पहली गाड़ी पर ये कहा अनारेजिस्टम आगे कहते हैं संस्कृत में श्रेष्ठ पुरुष जो श्रेष्ठ है उसको कहते हैं आर्य जो नीच है उसे कहते हैं अनार्य जो जाते होती थी पर तो कहा ये तू जो बातें कर रहा है अर्जुन ये तो अनार्य जो चल रहा है कमी नहीं आती होगा साहब इससे बड़ी बुरी गाड़ी क्या किसी को आप कह दो कमी नहीं कहीं के चप्पल ने क्या कर मुंह में मारे अर्जुन को ये कह दिया कमी ना अनार्य युष्टम एक गीता में लिखा है अनार्य युष्टम फिर दूसरी गाड़ी दी अस्वर्ग्यम ये काम करने वाले आदमी स्वर्ग में नहीं जाते हैं कहाँ जाते हैं नरक में नरक में रेफ्रिजरेटर पर चीजें तो मिल जाएंगी कि नहीं कार बढ़ जाएगी बैठ मर के लिए नहीं नरक में तो कीड़े ये देवियां जब आपस में लड़ती है कभी कभी तो गुस्से में आगे कहती है बहुत बुरी गाली है कि तेरे कीड़े भगवान ने अर्जुन को कहा अर्जुन तेरी इस करनी से ते कीड़े पड़े दूसरी गाली तीसरी गाली फिर दी कीर्ति कर कीर्ति कहते हैं यश को आप सब लोग काम करते हो इसलिए कि समाज में आपका नाम रहे बराबरी में आपका नाम रहे शादी शुदी आपकी लड़कियां इधर उधर भाग जाती है आप कहते हैं हमारे समाज में नाम का नाम हो जाएगा। हम लोग नाम चाहते हैं समाज में अच्छा भगवान कहते हैं अर्जुन तेरे इस काम से तोड़ो तेरा मुंह काला जो तुम्हारे क्षत्रिय वंश के यश की सफेद चादर है उस पर कार्य करते
भाषा में कहा अकीर्ति का कीर्ति नष्ट हो जाए, और सीधी भाषा में कहे देहाती भाषा में तो चला का चौथी गाड़ी तो बहुत ही उसे बंदी गाड़ी एक राजपूत के लिए हो नहीं सकती है, मर जाना चाहिए राजपूत, और राजपूत मर जाता नहीं बल्कि मां प्राप्त है गाड़ी देने पर वो गाड़ी पे किंतु खींच रहा है क्यों यूपी में कहते हैं जनखा और अंग्रेजी में कहते हैं इंपोर्टेंट। एक राजपूत को ये कह देना अर्जुन जैसे बहादुर को कि तू हिचड़ा कर, जब चार गालियां पड़ी अर्जुन समझ गया मैंने जितनी बातें भगवान कृष्ण को कही है एक का भी शरीर के ऊपर नहीं पड़ा, सब मेरे दांव सारे बेकार हुए, बस दांव हिला था अर्जुन ने, वो दांव भगवान पे चला गया। तब उसने क्या किया साफ साफ साथ में श्लोक है दूसरे अध्याय का पावन्य दोषो भवत स्वभाव इच्छामि काम धर्म सम्मूढ चेता यक्षेष्यनेश्चितं रोहितं मे शिष्यस्तेऽहं शादिमान्तं प्रपन्नम्। पता नकली क्यों पता है, मैंने कहा अच्छी बात यह है मेरे अंदर कमजोरियां इसलिए मैं नहीं गिरूंगा, और धर्म क्या है अधर्म क्या है मुझे ज्ञान नहीं है। इच्छामि काम आपसे पूछता हूं क्या धर्म सम्मूढ चेता, धर्म के मामले में ज्ञान नहीं है तो कहते हैं मूढ़, ये कहता है सम्मूढ पूरा मूढ़ धर्म के बारे में कुछ नहीं जानता तो नथिंग अबाउट रिलीजन। आज देख जीते कहते हैं क्या धर्म को जानते नहीं है लेकिन अपने को धर्म का पंडित मानते हैं सब सब। अर्जुन ने आशा वर्धन बने हुए हैं ना, अर्जुन ने खूब पढ़ाई की बातें करी खूब ज्ञान की बातें करी, यहां तक किया कि हमारे पितर जो धर्म में वो भी धर्म में आ जाएंगे ऐसा साथ तो हमें लिखा है कि जब उनकी पितरों क्रिया नहीं पहुंचती है नारायण औलाद पैदा होती है वो श्राप नहीं करती, ये पहचान है वो वर्ण संकर है, वो वर्ण संकर औलाद को भी श्राप नहीं करते पितर, और जब श्राप नहीं करते हैं तो पितर जो है स्वर्ग से नरक में आ जाते हैं। अर्जुन ने यही बात कही बड़ी ध्यान की बात है कही लेकिन भगवान के ऊपर तो कोई असर ही नहीं हुआ, उनकी चार गालियां थी। तब अर्जुन ने कहा महाराज धर्म सम्मूढ चेता, मैंने इतनी बातें धर्म की कही वास्तव में ये सब झूठ है, मैं तो जानता नहीं धर्म कह गया आप जो पृछाम धर्म सम्मूढ चेता, सबको याद है कि तुम देवी पिता पति देवता लोग तुमको याद है पर ये सब ऐसे पड़ जाती है मैं आपसे पूछता हूँ क्या पूछता हूँ मेरा कल्याण किसमें होगा ये बताओ। यहां से गीता शुरू होती अर्जुन जब ये पूछता है मेरा कल्याण किसमें है तो भगवान उसको कल्याण का मार्ग बताते हैं, ये गीता है कल्याण का मार्ग बताने वाली हम जितने मनुष्य हैं स्त्री हैं या पुरुष हैं ब्राह्मण हैं क्षत्रिय हैं वैश्य हैं या शूद्र हैं पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ हैं हम सब अपना कल्याण चाहते हैं परंतु हमारे कल्याण का मार्ग का बता दें आज हम भटक गए इसलिए घरों में कल्याण तो गया छूले में अशांति ही आग लड़की लगी हुई है सासुओं में झगड़ा पति पत्नी में झगड़ा रात को सारी और सवेरे डाइवोर्स की डेफिनेशन देखिए कोर्ट में कि
क्या तमाशा क्या है। और एक तो ऐसा धर्म नया खुला है, उसने किताबें लिखी है कि कृष्ण भगवान के टाइम में डायंग होता था, पता नहीं कहां से वो घूम के लाए गए, चिट्ठी आई हुई उनके पास। और धर्म है वो, और बड़ा नामी धर्म है, संसार में इस समय खूब पैसा है, इसके पास करोड़ों। लिखता ये है कि कृष्ण भगवान अपनी गढ़वाली से कहते हैं कि तू मुझे अभी भी डाइवोर्स कर दे, रुक्मणी को दे दे। इतनी मूर्खता की बात है, अर्जुन ये धर्म न जानने वालों की बातें हैं। अर्जुन ने साफ स्वीकार किया, मैं धर्म को जानता नहीं, मुझे आप बताओ मेरा कल्याण किसमें है। भगवान ने गीता का उपदेश दिया, उसको कहा ये आत्मा कभी नहीं बनती है, अमर है, और शरीर को तुम 10 टन घी खिला दे तो भी ये मरेगा, ये बचेगा नहीं। कितने दवाई दे दी है। आज ये देवी आई यहां बैठी है, अपने बच्चे को कितने इंजेक्शन दे चुकी है, और अभी और कहती है कि 2000 इंजेक्शन अभी और लगेंगे। क्या बात है। और मैं आपको बताता हूं कितने 1000 इंजेक्शन लगा दे, इंजेक्शन खाने वाला तो बच्चा नहीं बचेगा, लेकिन जो इंजेक्शन देता है बचाने के लिए वो डॉक्टर साहब भी नहीं बचेंगे, वो भी जैसी आराम करेंगे। क्योंकि ये शरीर जो है किसी का बचने का है नहीं, इसको तोड़ना कर सकते हो लेकिन इसको अमर नहीं कर सकते। 5 लाख हमारे जीवन में दिल डॉक्टर है, हार्ट वो हर एक से का इलाज करता ही नहीं है, बड़े बड़े माल लाभ रहते हैं, 3-3 महीने पहले वो डायरेक्ट। तो हमारे एक मित्र थे, वो गए जल के भस्म हो जाए ज्ञान के साथ।
आप ज्ञान के मार्ग में क्यों नहीं भेजते, कर्म में क्यों डालते? भगवान ने फिर समझाया, ये पांचवें अध्याय में फिर अरविंद कोई बात करी, ज्ञान शीचे कर्मण संयमता बुद्धि जनार्दन सत्यम कर्मणि बोले मां और समय बयान है। तो मट्टी में मुझे डाल रहे हो कर्मयोग की और क्या दायित्व कर रहे हो। जब ये गुरु चेला की बड़ी मजेदार बात है, ये गीता पढ़ने का है कभी, जब ये बार बार चलती तो ये 17 अध्याय तक चलता है, ये जब 18वें अध्याय में फिर अर्जुन यही बोलता है कि संन्यास क्या है और कर्मयोग क्या है मुझे ये अच्छी तरह से समझाओ, अभी जब मेरे समझ में ये नहीं आया। एक तरफ संन्यास की इतनी प्रशंसा है कि संन्यास किया जाए तो राजा भी उठ के उसके चरणों में गिरे और बड़े बड़े ब्राह्मण और पंडित चारों वेदों के ज्ञाता भी उठ के उसके चरणों में गिरे। और दूसरी तरफ आप मुझे कहते हो तो संन्यास मत ले, ऊंची चीज के लिए मना कर रहे हैं, भगवान गलती कर रहे हैं ना? नहीं, भगवान ने बताया तू अभी अधिकारी नहीं है। आठवें अध्याय में फिर बताया कि अर्जुन कर्म जो आदमी करते हैं उनको तीन प्रकार का फल मिलता है। अच्छा कर्म करते हैं उनको अच्छे फल मिलते हैं, स्वर्ग में जाते हैं। अरे कुत्ता भी अगर अच्छा कर्म किया हुआ होता है ना तो मशीनरी में घूमता है, मैंने कुत्ते को देखा रोड वाइज में घूमता है, और नौकर उसके साथ प्लेटों में फैलाते कुत्ते की बर्थडे में खूब खर्चा होता है। तो ये कर्मों का फल है और नहीं तो कर्म अपने ऐसे किए हैं कि मेरे तो मछली छोड़ो साइकिल भी नहीं हमारे पास चलने के लिए पैदल चलते चलते। तो ये अपने कर्मों का फल है। तो अर्जुन को भगवान ने कहा कर्म का अभी तू संन्यास के लायक नहीं, पर अर्जुन संन्यास लेने जा रहा पहले से। आज गुरु जैसा है, आज के आदमी अच्छे हैं, वो ये तो नहीं कहते कि हम संन्यास लेंगे, ऐसा नहीं कहते, वो ये कहते हैं संन्यास करा रहे हम ठीक है, कर्म करो बस क्या रखा है दशा, ऐसे भी कहते हैं। अब ये ठीक ये है कि वो है ये पता किसी को भी नहीं, गीता कहता है। तो जब ये सारी बात कही भगवान ने, अंत में भगवान ने अर्जुन को समझाया कि अर्जुन ये तीन तरह का फल कर्म का होता है, और अभी कर्म किया अभी मर गया तो मरने के बाद भी उसको कर्म का फल भोगना पड़ेगा जहां भी जाए। लेकिन फिर वहां कहते भगवान सन्यासी को कोई कर्म का फल मिलता ही नहीं है, इसलिए उसको कभी फल भोग नहीं मिलता, कहते ही नहीं। त्रिविधम कर्म से तीन कर्म है, इस कर्म के फल है अनिष्ट अनिष्टम मिश्रम चिविधन कर्म न कर्म, एक तो अच्छा शुभ कर्म एक खराब पाप कर्म और एक आधा अच्छा और आधा खराब जो गुरु होते तो मिश्रित कर कभी तो है ना, ये खड़ मिठा है और मिठा है कि सोय का सुख खराब ही है खतु, और कभी सुखी कभी दुखी है ये है। भगवान कहते हैं कि तुम सन्यासी को ये तीनों फल नहीं, वो इसे ऊपर होता है। यह अर्जुन ने जो कहा अंत में अर्जुन ने ये कहा कि मैं जो बात पूछता हूं उनको मैं एक श्लोक में बोलता हूं ये 20 श्लोक में बता देता हूं। गुरु थे अभी आपने 12वां अध्याय का पाठ किया, एक श्लोक अर्जुन का था कि साकार की पूजा ठीक है या निराकार की, वेद क्या था ना, भगवान से एक श्लोक में पूछा उन्हें मुझे ये बता दो कि साकार भगवान की पूजा ठीक है कि निराकार की। भगवान को तो उनका जवाब देने के लिए 19 श्लोक बोलने पड़े और अर्जुन को बताया, गुरु थे वो बता दिया। जब ये सारी बातें हो गई अंत में अर्जुन ने एक बात कही, महाराज मैंने तो अब निश्चय ये किया है ये पता नहीं है कि धर्म क्या है अधर्म क्या है, लेकिन अब एक समझ में आ गई कि मैं आपकी आज्ञा का पालन करूं
मनुष्ये वचनं तव अमरी करो ना पूजा में आपको तो तुम्हारी कवि पूजे बोलो करिष्ये करिष्ये वचनं वचनं तव तव मैं तो आपके गुरु के गुरु करूंगा और वो जाने या जाने मुझे गीता बंद हो भगवान का मुंह भी बंद हो गया अर्जुन की शंकाएं भी खत्म हो गई तो वही गीता संसार में सबसे ऊंची और सर्वोच्च और सबसे श्रेष्ठ और बड़े विद्वान की पूजनी हो गई कि मैंने परिचय कराया थोड़ा गीता का है ताकि आपको बैकग्राउंड मालूम हो जाए अब आ जाओ पॉइंट पर अर्जुन ने ये क्यों कहा इसमें मूल रहस्य अर्जुन की आदत थी वो रोज जाता था भीष्म पितामह को प्रणाम करता था सवेरे क्योंकि अच्छे बच्चे होते हैं वो माँ बाप को रोज सवेरे प्रणाम करते आज के खोदंड के बच्चे नहीं करते और उनके बाप भी उनके इतनी अकल के हैं मुझे एक बाप ने कहा जी मैं बच्चे के चरण नहीं छुआ था मैंने देखा तुमसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं बच्चे को तू अच्छी बात नहीं सिखाता है बच्चे का सबसे बड़ा धर्म है माता पिता के चरण छूना और उनकी आज्ञा का पालन और तुम चरण नहीं छुआते हो ये बच्चा जब बड़ा होगा तो क्या तुमको ऐसा सिनेमा दिखाएगा फिर तुम दोनों याद करोगे मम्मी डैडी बच्चे थे और फिर ये कहोगे कि अगर हमको ये ज्ञान होता कि ऐसा बच्चा पैदा होगा हमारे घर में हम शादी ही नहीं करते ये कहो कहो बच्चे वही होते हैं भगवान राम जी सवेरे उठ के अपने पिता के चरण छूते गुरु के चरण छूते थे प्रातः काल उठकर रघुनाथ रामायण गाता है प्रातः काल उठकर रघुनाथ क्या कहते थे पहले कि माता पिता गुरु नावर माता स्त्री पति की आज्ञा पानी अरे आजकल तो कई पति बेचारे ऐसे लोग आते हैं क्लब में जाके शराब पी के अपना इधर टाइम पास करते हैं कहा क्यों कह लगे स्वामी जी ऐसी घरवाली आई है जब घर में जाते हैं थके माने हम दिन भर के और जब वो गुरु डॉग की तरह हमारे ऊपर गुजराने आती है वो उस पर बोल रहा है और पति भी बोल रहा था वो कोई कम थोड़ी है वो भी बोल रहा था तो फिर ये बोल बोल आठ थे वो सभी लोग ये पहले अच्छे थे अर्जुन जाया करता था चरण छूता था भीष्म पितामह के भीष्म पितामह को आशीर्वाद देते थे बेटा तू सत्य पर है और ये दुर्योधन वगैरह सब सत्य पर है इनका नाश होगा तेरी जीत सीना फूट जाता था कि मुझे ये आशीर्वाद मिला है पितामह का जब लड़ाई होगी हमारी तो ये पितामह जो इतने ज्ञानी हैं ये जरूर हमारा साथ है जब आशीर्वाद दे रहे और अगर आशीर्वाद नहीं भी ने हमारा साथ नहीं भी देंगे तो कम से कम आज के हिंदुस्तानियों की तरह एक न्यूट्रल हो जाएंगे नहीं इधर के तो ऐसा अर्जुन का विश्वास था तो जब लड़ाई शुरू हुई तो उसने कहा कि मेरी सेना को खड़ा करो दोनों सेनाओं के बीच में नाम नहीं लिया तो भगवान तो अंदर ही आते थे तो अंदर भी जानते थे उन्होंने खड़ा कहा किया भीष्म पितामह के सामने जाकर गीता लिखा है भीष्म द्रोण प्रमुखता माँ खड़ी करी काले देख रहे जो उसने देखा अरे ये भीष्म पितामह रोज मुझे वरदान देता था कि तेरी जीत होगी उनकी हार होगी वो अनीति पर है तू नीति पर है इनको हमारी तरफ होना चाहिए था तो उनकी तरफ भी कमांडर इन चीफ बन के सबसे आगे बढ़े पर ये मरने वाले हैं नहीं उनको तो वरदान था कि वो मर नहीं सकते हैं अपनी इच्छा होगी तो मरेंगे तो नहीं मरेंगे तो इनको मार कौन सकता है इनको नहीं मार तो फिर सारे परिवार को क्यों मरवाऊं अर्जुन कायर नहीं था
देखा बेकार है। भीष्म पितामह से लड़ाना कोई लड़ी नहीं सकता मुझे, मुझे पिता के सामने भगवान भी हार खाए, मौत भी हार खाए, वो तो अपनी मर्जी होगी तो मर, इधर मौत हो गया नीचा अब चले जा तो मौत नहीं मारी, तो अब मुझे इनका क्या हाल इतनी डर आ गई। इसलिए वो घबरा गया था कि मैं अपने सारे परिवार को उन्हें आग में नहीं डाल सकता। लोग कहते हैं अजीत कायर था, बिल्कुल झूठ बात है, अजीत कायर नहीं था, डरपोक नहीं था, पिछड़ा नहीं था, लेकिन वो अर्जुन को ये था कि मैं सारे परिवार को मेरे को आग में कैसे डाल दू, क्योंकि तो भीष्म पितामह में सबसे आगे खड़ा कि मरेगा नहीं और हमारी सबकी चटनी कर देगा ही। और दूसरा द्रोणाचार्य, जब लड़ाई शुरू हुई द्रोणाचार्य का ब्राह्मण भगवान शंकर का था पुजारी, तो उसने लड़ाई में कहा जब महादेव जी की पूजा करी द्रोणाचार्य, महादेव जी ने कहा महाराज वरदान मांग क्या मांगता है, ने कहा महाराज ये मांगता हूं वरदान कि मेरा बेटा जब तक न मरे तब तक मैं न मरू। महादेव जी ने वरदान दे दिया था लास्ट को क्या ऐसा ही होगा, जब तक तेरा बेटा नहीं मरेगा तू नहीं मरेगा। बेटे को पता लग गया पिताजी ने ऐसा वरदान मांगा, वो भी महादेव जी का चक्कर में चला गया। महादेव जी तो भोले बाबा है ना, आशुतोष, बड़े जल्दी प्रसन्न होते हैं, क्या प्रसन्न हो गए, बोला मांग वरदान। उन्हें कहा महाराज ये मांगता वरदान कि मैं बेटा हूं, जब तक मेरा बाप न मरे तब तक मैं, क्यों कि मैं पहले मर गया तो मैं पिता का जो है श्राद्ध अर्पण नहीं कर सकूंगा, और जो बेटा पिता का श्राद्ध अर्पण नहीं करता है पहले मर जाता है वो नरक में जाता है, तो मैं इनके पास नहीं मरू। महादेव जी ने कहा तो साथ से जब तक तेरा बाप नहीं मरेगा तब नहीं मरेगा। महादेव जी भांग के नशे में दोनों को वरदान दे दिया, बेटे को तो कहा कि जब तक तेरा बाप नहीं मरेगा तू मर नहीं सकता, और बाप को कह दिया कि जब तक तेरा बेटा नहीं मरेगा तू मर नहीं सकता, अब पहले कौन मरे सवाल करके। अर्जुन जानता था महादेव जी का ये वरदान मैं नहीं काट सकता, ये द्रोणाचार्य मरेगा नहीं तब तक इसका बेटा नहीं मरेगा, पर बेटा मरेगा नहीं जब तक बाप नहीं मरेगा तो इनको मार कौन सकता है। इसलिए उन्होंने कहा ये भीष्म द्रोण दोनों खड़े हैं, महाराज आप बात बंद करवा दो, तब इन बच्चों को उनके माँ में डाल कर करवा देंगे कहा। इसलिए उन्होंने कहा तक मैं नहीं मरू। तब भगवान ने इसका जवाब दिया, फिर अर्जुन ने बोल के कहा है दूसरे अध्याय में लिखा है कथम भीष्म संख्य द्रोणम च मधुसूदन, दो कई नाम लिए विजय का नाम नहीं लिया, कहेगा मैं सारे संसार को मार सकता हूँ क्योंकि भीष्म और द्रोण को मैं मार नहीं सकता, महादेव जी का वर्णन नहीं। तो भगवान ने उसको ग्यारह में अध्याय में जब विराट रूप दिखाया तब उसने कहा कि अर्जुन विराट को देखना चाहता है, बोला हाँ देख, अर्जुन ने देखा अपना तो प्रार्थना करी पश्यामि देवां स्तव देवते सर्वांस्तथा भूत विशेष संगहान ब्रह्मानमीशान कमलासनस्तम ऋषिच सर्वानुजगम चतुर्भ्यम। मैंने सातों समुद्र देखे हैं, महादेव जी को देखा है, विराट ब्रह्मा को देखा है, सांपों को देखा है, देवताओं को देखा है, भगवान ने कहा इसकी अभी क्रिया कर पाई। अरे जो देख रहे हैं वो तो देखा नहीं है और ये देख रहा है, सब सारी दुनिया देख रहा है, तुम आज क्यों रहे हो, तुम उसे कहो तुम जो देखना है वो तो तुम भी नहीं देख रहे हो। अरे मौत तुम्हारे माथे पे बैठी हुई है सबके हाथ फेर के देखो, तुम जहां जाओ वो साथ रहेगी, चाहे कुएं में उतरो चाहे आसमान में जाओ, एक आदमी हवाई जहाज का उतरता है वो हवाई जहाज में मर गया। अभी वो एक संत था ना कौन सा सतनाम साक्षी वाले गुरु जी, हवाई जहाज में मर गए,
मुझे को याद करो, तुम मौत को तो याद करते नहीं हो, डायरी की बात याद करते। तो भगवान ने उसको कहा कि तू देख, अरे विष्णु पितामह को देख, मुंह फाड़ के दिखाया विष्णु पितामह और द्रोणाचार्य मरे पड़े। कहने लगे कि तो अब मर चुके हैं, मैं मारने वाला हूं इनको, तू क्या मारेगा? तो देख ले, द्रोणम च भीष्म च जयत्तम च कर्णम तदान्यान विरोध वीरान मयावतांस्त्वं जयमागतिष्ठा युद्ध स्पृजेता जिनमे सपत्नान। श्लोक है, अरे इनको तो मैंने मार डाला है, अभी तो खाली मरेगा को मारना, मरेगा को मारना मुश्किल है क्या? चला चलवा और यश तुमको मिल जाएगा कि अर्जुन ने मारा, मेरे मारे बिना तो कोई मरता नहीं, मरता तो चल रहे अब के जान का। मैं कई बार हवाई जहाज से बच गया, कई लोग मर गए, मैं बच गया। जब तक उनको मंजूर नहीं है क्या पूरा के साइया मार सके नहीं कोई, बार नगा का कर सके जो जग बैरी हो। ये जब बात बताई तब अर्जुन मैं मान गया। अब तो मैं जब ये कहा कि मैं तो आपकी आज्ञा का ही पालन करूंगा, मैं आपकी सत्ता को मान गया, कड़ी से वचन तब बंद हो। तो बात यह है, अर्जुन की तरह हमको अपने अंदर की बात छुपानी नहीं चाहिए और अपने बड़े के सामने खोल के बात कर लेनी चाहिए। बात यह है तो बड़े समान अनपढ़ है, तुम सबऑर्डिनेट हो, सुपीरियर से कोई बात मत छुपा। तुम पत्नी हो, पति से कोई बात मत छुपा। तुम पुत्र हो, पिता से कोई बात मत छुपा। क्यों? ये बेईमानी है। खोल के रखोगे वो तुम पर दया करेंगे और वो तुम पर खुश होंगे। जो पत्नी सब बात पति को खोल के बता देती है, पति उसको ये भी समझ गए कि वो सेवा करेगा। तो सजनों सबसे बड़ी बात है, तो मैंने कहा अगर तुम स्टूडेंट हो तो जो गुरु के सामने जाओ, सही बात खोल के कहो और गुरु की आज्ञा को मान। सबऑर्डिनेट हो तो सुपीरियर की आज्ञा को मान, पत्नी हो तो पति की आज्ञा को मान। मैंने ये कहा क्योंकि तुम आज्ञा को मानोगे तुम्हारे सारे संकट फिर वो ले लेंगे अपने ऊपर और तुम्हारी रक्षा करेंगे। जैसे छोटे बच्चे की रक्षा माँ करती है कि नहीं, तो ऐसे ही सब वो तुम्हारी लेंगे। फिर पत्नी के सारे सुख दुख का जिम्मेवार पति बन जाएगा, पर जो डाइवोर्स की एप्लीकेशन लेके जाएंगे तो पति जिम्मेवार नहीं बनेगा। तो ये एक बात है जो सारे संसार के ऊपर लागू होती है। मैंने सब को कहा जब मैं ये प्रवचन कर रहा था, दिल्ली की बात है, वहां फौज के एक ऑफिसर बैठे हुए थे गौतम खन्ना। तो जब सत्संग समाप्त हुआ तो घरवाली वो लेके आए मेरे पास, और घरवाली का नाम था कपला। कहने लगे स्वामी जी आज आपने जो बात कही थी तो वो बड़ी अच्छी लगी, आप एक बार कमला को फिर बता दो। कमला ने कहा फिर क्या बता दो, जब कमला ने सुन लिया है दोबारा क्या बता दो, इन बार समझ एक बार फिर बता दो। मतलब कहे ताकि इनको फिर कहे कि पति क्या क्या हो। तब मैंने कहा अच्छी बात है, मैंने आधी कही थी आपकी पूरी करी बता पूरी कहो। मैंने कहा मैंने ये कहा था कि पत्नी को चाहिए कि पति की आज्ञा माने और नहीं तो नरक में जाएगी और आज्ञा माने तो स्वर्ग में जाएगी। मैंने दूसरी बात नहीं कही, पति को चाहिए कि पत्नी के सुख दुखों का ध्यान रखे और उसकी आज्ञा को पति माने, नहीं मानेगा तो पति नरक में जाएगा। तो कर दो जाओ मैंने कहा तुमने अग्नि की साक्षी में प्रतिज्ञा करी थी कि हम दोनों जो है फ्रेंड बन के रहेंगे, एक दूसरे सुख दुख में साथी रहेंगे, कोई किसी से बात छुपावेंगे नहीं, धोखा धड़ी करेंगे नहीं, तुम भूल गए वो प्रतिज्ञा। ये भाई ने जो बैठा
सर ने पहचान दिया, इन्होंने जो पूछा था कि एक बात बताओ गीता, गीता में एक बात यह है कि अपना जो सुपीरियर है उसकी आज्ञा करो, और सुपीरियर के आदेश जो है वही आपका शास्त्र है। क्यों पुलिस में जाओगे तो पुलिस डिपार्टमेंट का जो शास्त्र है वो काम आएगा, व्यक्ति वाला नहीं। व्यक्ति में जाते हो तो व्यक्ति वालों का शास्त्र काम आएगा, ब्राह्मण बनोगे तो ब्राह्मण वाला शास्त्र काम आएगा। ऐसे सबके अगर आपने इंजीनियरिंग ग्रहण किए तो इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर जो ग्रेजुएशन है वो काम आएंगे, और अगर मेडिकल लाइन में जाओगे तो मेडिकल लाइन के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो आपके काम आएंगे। तो अलग अलग विभागों के अलग अलग शास्त्र हैं और अलग अलग ही सबके कर्म हैं और अलग अलग ही सबके फर्ज हैं। लेकिन ये एक फर्ज जो गीता बता रही है कि अपने सुपीरियर के आदेशों के अनुसार अपना जीवन चलाना चाहिए। अगर आज ये सब स्त्रियां ये सुन करके प्रतिज्ञा कर ले कि आज ही हम कहते हैं जाके पति को कह देंगे कि हमने गीता तो सुनी सारी, लेकिन कुछ समझ में नहीं आई, एक बात समझ में आई है करे से वचन तो हे पति देव आज से जो तुम बोलोगे ये कुछ कर। मालूम है क्या होगा, पति आपका चलता फिरता अखबार बन जाएगा, जहां जाएगा तो वहां यही कहेगा हर जगह, अरे हमको जो गड़बड़ी हुई है तुम दो जन्म में मैंने अच्छे तुमने किए थे ऐसी गड़बड़ी हुई के साथ का देवी सच किसी को मिल नहीं हो सके हो गया कि नहीं संबंध है। और ऐसे ही पिता पुत्र का पुत्र अगर बने राम की तरह तो सारे संसार में राम की तरह शादी कर पिता का आज्ञाकारी। रात को पिता ने कहा तो तुमको सवेरे रात मिलेगा तैयार हो जाओ, रात को तैयार हो गई अयोध्या सजाई गई, और सवेरे जो ही वो गया पिता के पास तेरे मिला कपड़े भी उतार दो और नंगे हो गए सजाओ जाओ चक्कर में अयोध्या छोड़ दो। ये तो अच्छा हुआ जो आज यूनिवर्सिटी का बेटा नहीं था पढ़ाई का, नहीं तो वाप तो लिया था कोर्ट में और कहता है कि इसके पहले मेडिकल एग्जामिनेशन कराओ कि ये मेंटली ठीक है या नहीं, मेरा बाप जो है आदेश दे रहा है तो और मेडिकल फिर एग्जामिनेशन होगा तो होता बाप का, और फिर कोर्ट में कह करता है कि पैटर्नल प्रॉपर्टी है व्हाट राइट माय फादर हैज गॉट टू सेंड मी आउट ऑफ अयोध्या। तो महाराज ऐसे जो है पर ये उस समय ऐसे समझदार बेटे नहीं थे, वो राम पिता चला गए। और उस राम को आज हम भगवान कर देंगे ये गीता का एक शब्द अगर शब्दार्थ कर ले ये यहां से घर जाके कह दे घर वाले मालूम है मेरी भी चाय बहन बच्चे कर गए अपने पिता को पिताजी निश्चय कर गया अपने कि आपकी आज्ञा हम कोई करेंगे पिता भी करेंगे पिता भी करेंगे फिर कह दीजिए स्वामी जी के पास हो जाओ अच्छी अच्छी बातें बताए अपने तो ये कहेंगे बाबा जी के चक्कर में मत पड़ो घर पे रहो उठने का सज्जनों ये गीता सारी संसार के लिए हर विभाग के लिए है हर व्यक्ति के लिए है अनपढ़ हो चाहे पढ़ा लिखा ब्राह्मण हो चाहे शूद्र राजा हो चाहे फकीर। तो मेरे भाई ने मुझे ये पूछा एक बात बताओ गीता एक बात को वो फिर सबके लिए ज्यादा बेटे तो शास्त्रों के चक्कर में हम पड़ जाएंगे। शास्त्र है 10,000 और धर्म भी है 10,000 किस किस को पढ़ोगे कौन से शास्त्र को मानोगे। एक कहता है मूर्ति की पूजा करो दूसरा कहता है मूर्ति को तोड़ दो ये सब प्राचीन की बातें हैं ये सब मूर्ता की बातें हैं। गीता ये नहीं कहती है, गीता कहती है जिसको देखो उसके अंदर परमात्मा को देखो और उसकी पूजा करो। स्त्री के लिए उसका पति परमात्मा है, पुत्र के लिए उसका पिता परमात्मा है, राजा के लिए सारे मनुष्य परमात्मा है, मनुष्यों के लिए राजा परमात्मा है, हम सब के अंदर ही तत्व देखें। पिता ने कहा योगम पश्यति सर्वत्र सर्वं च वै पश्यति। 16वें अध्याय में जो है वो राक्षसों का और देवताओं का
क्यों? मैंने पढ़ा है 2+2 = 4, 2+2 = 4। अब आप बताओ वो सही है कि वो सही है? लेकिन वो मूर्ख हिंदी का विद्वान नहीं बन सकता। ऐसे ही हिंदी वाला जो है कहेगा 2 और 2 = 4 होते हैं, 2+2 = 4 हम नहीं कहेंगे, वो क्यों पहले अंग्रेजी पढ़ लिया है? अगर अंग्रेजी पढ़नी है तो गुरु की आज्ञा माननी है, गुरु के शास्त्र को मानना है, गुरु के नियम को मानना है, और नहीं तो एक ही तरफ है। कागज तो मैं आपको बताऊं, खाली 0 लिखते हैं, खाली 0 अंग्रेजी स्कूल में, और मास्टर कहता है पढ़ो ओ, आप पढ़ते हो, आप कहेंगे नहीं अब तो इसको ओ नहीं पढ़ेंगे, तो कुछ नहीं पढ़ोगे, बने रह जाओ। ऐसे ही अंग्रेजी के अंदर जी के अंदर पढ़ करके और लकीरें खींच के और फिर कहते ये है वो, वो बोलना पड़ेगा पापा नहीं, वो तो 0 होता, ये हो रही न हिंदी के रहे न अंग्रेजी के रहे। यदि उर्दू के स्कूल में जाओ वो पहले तो लिखेंगे अलिफ एक डंडा, पीछे आगे लिखेंगे वाव, 2 अक्षर लिख के कहेगा अब बनाओ वो, तो वहां वो, तो ये आप समझे कि नहीं अलग अलग शास्त्र है और अलग अलग ही मास्टर है और अलग अलग ही विभाग है। तो ये जहां जाना है वहां भी मानना है, लेकिन वो चीज आ गई कि हेड की बात मानो, वह डंडा और भाव को बोलो हो और वहां पप्पा और 3 डंडों को बोलो हो और अंग्रेजी में 0 को बोलो हो, अपने अपने शास्त्र अलग अलग है। तो गीता में ये सोच का जाए ठीक बात कही है, लेकिन सारे संसार के लिए एक ही बात कही है, सुपीरियर को हो। इतनी बात कर करके मैंने अभी विषय समाप्त कर रहे हैं, क्योंकि टाइम हो गया बहुत। फिर कभी किसी भाई को शंका हो तो मुझसे पूछे, मैं बताऊंगा, सेवा करूंगा, फीस नहीं लेता हूँ, फ्री सर्विस है भी। तो यूनिवर्सिटी वाले इतने सारे लोग अगर जाएंगे, मैं फ्री सर्विस करता हूँ, जो शंका हो आप उसे पूछो। क्यों? मेरे लिए आप भगवान, भगवान से क्या पूछे, तो आप कर ऊँचे हाथ करके भगवान की जय को कमर से कर दो। देखने में भी समझ आ जाए, आप ऐसा ठेका लगा कि बैठिया को कैसे बनाया आपने मुझे टेंशन दिए, आप तो थोड़ी कमर सीधी करो और जय बोलो, ऊपर हाथ करके जय बोलना, बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो एक बात है, आपकी जय हुई बोले तो ये कहेगा हमने आज की तरफ नहीं है, और समझ में आइए, नहीं समझ में आइए तो मत बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। बात हुई है बोले कि जो सुनी और समझ में आई है अब हम ऐसा ही करेंगे, प्रभु की आज्ञा मानेंगे, और जिनको नहीं माननी है बड़ों की आज्ञा, पति की आज्ञा नहीं माननी है, बच्चों को माँ बाप की आज्ञा नहीं माननी है, वो मेहरबानी करके जय न बोले, मैं ही बोल दूंगा।
ईश्वर की प्यारी संस्थान के रूप में मेरी अपनी आत्मा सचमुच आज का दिन बहुत ही अच्छा दिन है। महाराष्ट्र का पहला दिन है, दुर्गा का पहला दिन है। पहला दिन आरंभ जो आलिया हुआ है बहुत ही अच्छा। मैंने आपकी द्वारा वर्णन नहीं कर सकता। लगता है कि अब सारे संसार के दिन फिर से अच्छे आने वाले हैं। रात के बाद दिन आता ही है और दुख के बाद सुख आता ही है। ऐसे अशांति के बाद मालूम होता है कि वो खूब अध्ययन करता है, एक एक शब्द को काम सौंपा गया है। जो कमी हो तो बताओ, क्या बता, कहीं कुछ कमी हो, गलती हो बताओ। ठीक भी है, जो जिस लायक होता है उसको वैसा ही काम दिया गया। तो सफाई का काम हमेशा घर वाले को देते हैं, सफाई आप करो। अगर हमने कोई कही है तो वो आप साफ करो, दबाओ। मुझे तो करना ही। पहली बात मैं ये कहूंगा, जो भी भाई बोलने के लिए खड़े होते हैं वो तो सबसे पहले अपना प्रचार करते, ये नहीं होना चाहिए। अपने प्रचार की आवश्यकता नहीं, सब्जेक्ट पर बोलना चाहिए। और अपना प्रचार भी करते हैं तो अच्छा नहीं करते। अच्छा करे कि मैं परमात्मा का अंश हूं, सब प्रभु के सनातन अंश हैं और हमारा जन्म हुआ है संसार की सेवा करने के लिए। हम वृद्धाश्रम में आते हैं जगत को सुख पहुंचाने के लिए। तब तो प्रचार कुछ ठीक है, भैया अपना प्रचार कैसे करते हैं भाइयों। मैं गीता के बारे में कुछ नहीं जानता हूं, तो आए दुनिया खड़े हुए हैं गीता पर बोलने के लिए, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं अपने आप का। मैं गीता के बारे में कुछ नहीं जानता। सबसे ज्यादा अच्छे बोले कि छमाणी तो कहते हैं मैं कुछ नहीं, मैं तो ऐसा हूं। अपना दृष्टांत दिया, एक पोषण में से एक मुंह है ड्रॉप। अब ये अपना एडवर्टाइजमेंट करने की क्या आवश्यकता है, आप क्या हो
आप बोलोगे आपको पता लग जाएगा हमको। ये बच्चे को मैं जानता हूँ अच्छी तरह से, कभी लिखने बैठ के इसने पीएचडी किया है, कई सौ पेज टू पेज लिखे और टॉप में आई जब इसने किया है। और भी जब भी लिखती है बहुत अच्छा लिखती है, बोलती है तो बहुत अच्छा बोलती है। जब यहाँ करी हुई तो अपना रिटायरमेंट से होती है, मैं तो कुछ जानती नहीं हूँ, बोलती नहीं हूँ। कई कई तो यहाँ पर कह जाते हैं मैं तो मामूल हूँ, मैं तो बना हूँ, मैं बैठा हूँ। ये कितनी बुरी गाड़ियां हैं और उनको पता नहीं है कि सारी गाड़ियां ये मुझे मिलती। मैंने क्या गलती करी है इतनी गाड़ी मिली थी, क्योंकि आप बार बार ये भी कहते हो कि हमारे गुरु है। तो मुझे सर्टिफिकेट तो थोड़ा बंद कर ले। ये कहो हमको गीता में ये बात अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी, मुझे बड़ा आनंद आया। और अगर हम इसमें और उतरे और प्राप्त करें तो और भी ज्यादा अच्छी बात। तो सबसे पहले तो मैंने झाड़ू इस पर लगाया है आपके, तो अब कभी आगे आप खड़े हो तो ये इनडायरेक्ट मेरी इंसल्ट मत करो कि मैं मूर्खों का गुरु। फिर ये आश्रम का भी है इंसल्ट, क्या गीता आश्रम के आदमी और गीता के बारे में नहीं जानते हैं? तो फिर कौन जानेंगे? लेबर यूनियन के आदमियों को बुलाना है वो तो गाड़ी के नादान नेता। सबसे बढ़िया संसार में वही कहलाता है जो अच्छी गाड़ियां उन गाड़ियां देना जानता हो। आप लोगों ने समझ लिया है कि अपने गुरु को दो चार गाड़ियां दे देने तो हम अच्छे हैं। खैर अब दूसरी बात और भी देखी, इन्हें कह दिया था बच्चे ने कि मैं तो ओशन में ही ड्रॉप कर रहा था, लेकिन बातें इसने वो कमाल की कही है जो उम्मीद नहीं थी कि यहाँ के लोग इतने जल्दी गीता में आगे बढ़ जाएंगे। अगर इसी तरह से ही आपकी चली तो एक दिन ये गीता गोष्ठी आपकी सारे अमेरिका के अंदर तो बड़े बड़े लोग तरसेंगे इसमें आने के लिए और समझने के लिए। आप लोग इतनी कोशिश करते हो, इतना अध्ययन करते हो, फिर यहाँ आके बताते हो लोगों को, बहुत अच्छी बात है। कई जगह गीता गोष्ठी अमेरिका में खुल गई है, कई जगहों पर खुल गई है। हमको सबको एक समझना चाहिए वो हमारी ही गोष्ठी है, वो ये एक ही है, अलग अलग नहीं। अलग समझना पाप होगा, तो सब फले फूले हम वहां जाए और वो यहाँ आ गए। एक गीता गोष्ठी चला दिए बच्ची वहां मिनियापोलिस, वहां से ये लोग यहाँ आ गए, यहाँ से हम कभी वहां जावे। इस प्रकार आदान प्रदान रहे और हमारे जो मैगजीन निकलते हैं वो सब खबर देता कि मैगजीन जो है, आपने तो यहाँ 10 आदमियों को बात सुनाई है, मैगजीन ने 10,000 आदमियों को सुनाता है, उसके द्वारा ज्यादा प्रचार होता है। उसमें फिर ये चीजें आनी चाहिए। अगर उसमें कहेंगे जैसे ये वाणी चोर बैठे हुए हैं और चोरी कर लेते जो बोलते, और उसमें ये आ गया कि भाई हम तो कुछ नहीं जानते, हम बड़े गरीब, वो आ जाएगी सारी बात,
आश्रम का अपमान, मेरा भी अपमान और आपका तो खैर थोड़ा अपमान हो जाएगा। गीता का अपमान, गीता गोष्ठी के आदमी बड़ी प्रेम कुछ नहीं जानते, तो जो कुछ नहीं जानते उनको गीता सिखाने के लिए पैदा हुए। तीसरी और भी है, मैंने एक किताब पढ़ी हमारी गुरु जी ने लिखी, बहुत बढ़िया किताब लिखी, आज संसार में उनके मुकाबले की किताब किसी ने गीता पर लिखी नहीं। जब तक आकाश में सूर्य और चंद्र रहेंगे तब तक संसार में हमारे गुरु जी का नाम रहेगा। गीता पर उन्होंने साहस पूरा लिखा है, पर पुस्तक का नाम दिया है उन्होंने कर्म योग शास्त्र, और हमारे गुरु जी का नाम है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। कर्म योग शास्त्र मैंने पढ़ा, उन्होंने कर्मयोग शास्त्र जेल में लिखा, बहुत सुंदर लिखा है, इतना बड़ा ग्रंथ ने कहा ये शास्त्र तो हो गया बढ़िया, और मैं गीता सारी आई, गीता के विषय सारे नहीं आए पर गीता सारी आई। अब अगर हम ये कहें एक कर्म योग शास्त्र के अंदर गीता लिखी हुई है और वहीं से गीता ली गई है, तो ये गीता का अपमान हो जाएगा। उन्होंने कर्म योग शास्त्र में गीता लिख दी, इसका अर्थ ये नहीं है कि कर्मयोग शास्त्र में से गीता निकाली गई है। समझ में आया? किसी ने थोड़ा सा हिंट दिया था कि महाभारत में से गीता आई, फिर महाभारत वाले ने अगर महाभारत तो इतिहास है, महाभारत शास्त्र नहीं है, वो इतिहास है। आपको मालूम होना चाहिए किताबों में जातें होती है, लाइब्रेरी में जाओगे तो पता लग जाएगा अलग अलग जातें होती है, इतिहास, उपन्यास, धर्मशास्त्र, उपनिषद, अलग अलग अलमारियां होती है, बड़ी बड़ी लाइब्रेरी। तो रामायण इतिहास है, शास्त्र नहीं, और महाभारत इतिहास है, फिर उपनिषद वो अलग वो इतिहास नहीं होते, और वेद वो उपनिषद नहीं होते, और पुराण इतना पुराण ही पुराण होते हैं, कई मैंने गया बनारस में कई अलमारी में पुराण ही पुराण भरे, पुराण न तो है वेद, पुराण न है उपनिषद, और पुराण न है इतिहास, वो पुराण है। पुराण तो उसे कहते हैं जिसमें पांच बातें हो, वो पुराण। इस प्रकार से महाभारत में से गीता निकली ऐसी बात। हाँ, महाभारत वाले ने महाभारत में गीता को लिया है, और कर्मयोग शास्त्र वाले ने भी कर्मयोग शास्त्र में गीता ली है। ऐसे ही और भी शास्त्र लोगों ने लिखे हैं, उन्होंने गीता को लिया है, और आजकल तो
नेता भी इनको उनको भी बीमारी लगती है, जब ये बोलते हैं तो कोई ना कोई एक गीता का स्वरूप खींच लेते हैं कि बताने के लिए कि हम गीता को जानते हैं और गीता को मानते हैं। हालांकि उनकी पॉलिटिक्स जो है वो गीता से बहुत दूर है, बहुत दूर है। अगर गीता के अनुसार पॉलिटिक्स हो जाए तो संसार का तो कोई कल्याण ही हो गया। गीता में एक अध्याय है उसका नाम है पॉलिटिक्स, नौवां अध्याय है उसका नाम है राज विद्या, राजनीति। एक अध्याय है 18 अध्याय में से, और लेकिन उसने जो राजनीति है वो पॉलिटिक्स जो है उसमें परफेक्शन है, परफेक्ट पॉलिटिक्स है उसमें। और ये पॉलिटिक्स तो उनकी डिफेक्टिव है, रोज तो इसका ऑपरेशन होता है बेचारी का। हर राजनीति में एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, हमारे भारत का ये कॉन्स्टिट्यूशन बना है, बड़े बड़े विद्वान बैठे, कई लाख रुपये पर वो बना, और बनने के बाद मेरे सामने बना है। जिस समय ये बना था उस समय मेरी उम्र 50 से ऊपर थी, और अभी अभी मेरे देखते देखते ही उसकी 50 बार उसका ऑपरेशन हो चुका है, और थोड़े दिन और ऑपरेशन होगा तो वो 80 तो गायब हो जाएगा, सब नट लिया जाएगा दूसरा। क्योंकि जब अमेंडमेंट्स आते हैं ना तो पहले वाली चीज छुप जाती, नहीं आके तो उसको कवर कर लेती। इसलिए ये पर वो लेते हैं, चलो इतना तो है गणित है कि वो याद तो करते हैं गीता को, इसी बहाने एक आध लोग भगवान इनका भला करेगा, किसी दिन ये गीता पढ़ेंगे और गीता के मापिक ही राजनीतिज्ञ बनेंगे। तो ये संसार स्वर्ग बन जाएगा। हम लोग इस काम में लगे हुए हैं लोगों को गीता के बारे में परिचय कराने के लिए। जितना हमको गीता का पाठ पढ़ने को मिला है उतना हम सुना देते हैं दूसरों को। ये तो हम कहेंगे नहीं कि हम बिल्कुल नहीं जानते हैं, झूठ हो जाएगा ना। और ये भी नहीं कहेंगे कि हम गुजरा है भगवान का दिन, हम तो हमारे सनातन अंश हो, ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। सनातन अंश मुक्त कैसे हो सकता है? मुझे आपने जो झूठी दी झाड़ू लगाने की, मैंने लगाया थोड़ी बहुत तो सफाई करी है, कोई नहीं कर सकता तो कोई बात नहीं है, फिर भी करूँगा। सफाई का काम करना मेरा काम है। चार वर्ण बनाए गए हैं, चार वर्ण भगवान बनाए। कई लोग कहते हैं मैन मेड है, मैन मेड नहीं है, मैन मैड है। जो ये समझता नहीं है वर्ण व्यवस्था को, क्यों नहीं समझता है? क्योंकि मैन मैन क्या है? मैन मैड है। वास्तव में भगवान स्वयं कहते हैं चातुर्वर्ण्यम मया श्रेष्ठम। और जब हमने ये कहा कि ये तू और मेड नहीं है तो पानी गिर गया इस बात के ऊपर, तो बिल्कुल ही गलत हो गया, गीता ही गलत हो गई। पर बात ऐसी नहीं है, वो मैड है जो ये कहते हैं कि ये मैन मेड है, गवर्नमेंट है, वर्ण व्यवस्था। आज अगर हम फिर समझ जाए सब देवता हो जाए फिर तो भगवान के बनाए हो जाएंगे, पर तो पता नहीं क्या क्या बनेंगे। अब तो हमने अपनी चीजें सब बना डाली है बहुत ही,
चाहतें भी हमारी अपनी बनाई हुई है। एक को मैंने पूछा तेरा नाम तुम्हारी क्या जात है, बोला छोबे। दूसरे को तुम्हारी, बोला छंबे। तो तुम्हारी बोला दूबे। अरे तुम्हारी बड़ा पचीस क्या, अरे तुम्हारी बड़ा भूतड़ा। ये जाते हैं, ये गॉड मेड नहीं है, इसलिए मैन मेड है। कोई भूतड़ा है, कोई मूंदड़ा है, और कईयों ने अपनी साव एक जैसी जाते कर दी, आनी आनी कर दी, अब नानी का दीवानी, गिलवानी, होतवानी, आनंद सब नहीं नहीं होगी। तो किसी ने सबने कर लिए खड़े होके, क्या आपका तरने में बोला खड़े होके अटपटे अटपटे आपके है करने में आपके सब जाते हैं। और सबने अपनी अपनी बनानी शुरू कर दी, और यहाँ तक अब तो सबने भगवान भी अपने अपने बनाना शुरू कर दिए। मंदिर सबके अलग अलग हो गए, पंजाबियों का मंदिर, पंजाबियों का मंदिर, और सिंधियों का मंदिर। अब मंदिर में कोई नहीं जाता, सिंधी जाते हैं सिर्फ हिंदुओं के मंदिर में, और यूपी वालों का अलग, मद्रासियों का अलग, सबके मंदिर अलग अलग। इन्होंने अलगाव बने ने हमारी एकता का नाश किया है, एकता को मजबूत नहीं किया। पहले एकता बड़ी मजबूत थी, जब गीता कही गई थी उसमें तो इतनी जातें थी, न इतने धर्म थे, न इतने संप्रदाय थे, और न ये सब खन्ना का मंदिर और चोपड़ा का मंदिर और बिरला का मंदिर और डालमिया का मंदिर ये सब होने लग गया। और लोग अब ये भी कहने लग गए कि डालमिया के मंदिर से बिरला का मंदिर अच्छा है, तो डालमिया का मंदिर खराब नहीं, वो मंदिर खराब हो गया। तो सज्जनों, ये गीता इस को हेट करती है सेपरेटिज्म। गीता का तो शास्त्र का नाम ही आप कहते हो, भाई ने कहा था, इन्हें क्या कहा था, योग शास्त्र नाम रखते, योग शास्त्र अलग 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 हो जाते तो वियोग हो गए। योग तो होता है जब मिल जाते सब, गीता तो योग शास्त्र है, इसलिए गीता योग शास्त्र है और गीता सबके लिए है। कल के प्रवचन में मैंने बताया था कि गीता सबके लिए है, कोई ऐसा व्यक्ति धरती पर है ही नहीं जिसके लिए गीता नहीं है। ये खन्ना या चोपड़ा की नहीं है, और कुछ लोगों ने इसको बना दिया है कि हिंदू धर्म की है। बात तो ये कि हिंदू धर्म ही नहीं था जब गीता कही गई, हिंदू धर्म की से बना। मैंने सारी गीता पढ़ी 18 अध्याय, कहीं हिंदू धर्म से है ही नहीं। मैंने पुराण पढ़े 18, कहीं हिंदू नाम, रामायण सारी पढ़ी कहीं हिंदू नाम। तो ये अलग, लेकिन जिस संप्रदाय की चीज होती है उसका नाम जरूर होता है। इस्लाम के लिए तो आएगा कि इस्लाम के लिए है, ईसाइयों की वो तो आएगा ये ईसाइयों के लिए है। तो हर एक जाति के अलग अलग शास्त्र हैं, होने चाहिए। हर एक डिपार्टमेंट के अलग अलग शास्त्र है, ये गवर्नमेंट में कई डिपार्टमेंट होते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट, उनका शास्त्र अलग है और उनकी पढ़ाई भी अलग है। मिलिट्री डिपार्टमेंट, उनकी स्कूल अलग है, उनकी कॉलेज अलग है, उनकी पढ़ाई अलग है, उनका कोर्स अलग है, किताबें अलग है। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, उनकी किताबें अलग है, उनके शास्त्र अलग है। और मेडिकल साइंस, उनकी किताबें अलग है, और जो पढ़ता है वो उसी साइंस उसी डिपार्टमेंट का होता है। और उस डिपार्टमेंट में रहना है तो साइंस को मानना है,
ऐसे हमारे यहाँ शास्त्र बोलते हैं, पर गीता के ऊपर तो लेबल है ही नहीं। मैं तो ये सिख धर्म का हम विलंब करके अपने ईसाई का अपने जैनी का मुसलमान का नहीं कर। इट इज अ कोड ऑफ लाइफ, इट इज अ सॉन्ग ऑफ गॉड। गॉड के धर्म चाहिए पहले तय कर लो एक बार। गॉड जो है इस्लाम धर्म के को बिलोंग करता है या क्रिश्चियनिटी को बिलोंग करता है, जरा फाइंड आउट करो। तो कहीं गॉड का तो कोई धर्म ही नहीं है, धर्म बाद में हुए बहुत पहले। क्योंकि गॉड का है सॉन्ग ऑफ गॉड, नॉट सॉन्ग ऑफ सुरैया। सजनो ये ध्यान रखना चाहिए। अब हम विषय पर आते हैं। ये भाई ने पूछा कि जब इनर वॉइस आती है तो मैं समझ नहीं पाता हूँ कि ये आवाज मन की है या आत्मा की। तो आवाज जो है मन की आवाज नहीं होती। मन तो चेतन नहीं है, जड़ है। जड़ की आवाज होती है। हमारे शरीर में दो भाग हैं, एक है जड़ और एक है चेतन। तो जीवात्मा जो है वो है चेतन और शरीर सारा है जड़। मन बुद्धि ये जितने ये सब जड़ है। और जीवात्मा भी चेतन नहीं है, आधा चेतन आधा जड़ है। मेरी जो डाक आती है ना तो सब आदमी की जो भी चिट्ठी लिखता है श्री श्री 108 स्वामी हरिहर जी महाराज। कहीं ने हम जो चेयर पर उसके ऊपर भी 108 ही है। उनको खुद को पता नहीं है कि 108 ये है क्या, लिखते। तो एक प्रोफेसर साहब थे आपके ऊपर जो 108 लिखते हैं तो क्या आपके पहले 107 गुरु हो चुके हैं, अब आप 108 में आने लगे तब क्या मतलब? नहीं, जैसे है ना इंग्लैंड में जॉर्ज पंचम जॉर्ज सप्तम जॉर्ज सप्तम एडवर्ड सप्तम आते हैं पहले एक दो तीन। और आज भी जो बादशाह होते हैं वहाँ पर थाईलैंड में जो बादशाह होते हैं वो उनको रामा कहते हैं। रामा वन, रामा टू, रामा थर्ड, रामा फोर्थ, रामा फिफ्थ, रामा सिक्स। थाईलैंड ट्राई तो है बेटी है ना। अभी जो बादशाह है उसका क्या नंबर है? नौ रामानाइन। तो जय वो कहने लगा कि फिर आपकी जो गतियां बहुत स्वामी क्या आप तो 108 आए हैं गद्दी पर, पहले 107 मर चुके हैं आपसे पहले इस गद्दी पर। मैंने कहा नहीं, मुझसे पहले थे उनके भी 108 लिखे और मेरे बाद आएंगे गद्दी पर उनको भी 108 लिखेंगे। खुद बेचारे को 108 का पता नहीं, क्योंकि प्रोफेसर तो बना है यूनिवर्सिटी में पढ़ करके, पर ये सब्जेक्ट आया नहीं वहाँ पर 108 वाला। तो हाँ उन्होंने योजी डॉग मैंने कुत्ता तो पढ़ा है, एफ ओ एस बॉक्स मैंने लोमड़ी पढ़ी है, ओ एस बॉक्स मैंने बैल पढ़ा है, पर 108 नहीं पढ़ा। मैंने कहा ये 108 जो है ये नंबर नहीं है 108।
तो मेरे बाद आएंगे उनको भी 108 लिखे। अब क्या है, मैंने कहा पहले है वन, संसार में सबसे पहले परमात्मा कोई नहीं, इसलिए एक ईश्वर एक है, लॉर्ड इज वन कहते हैं ना संस्कृत में, कहते हैं एको ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति, ईश्वर एक है। तो हमेशा वो हमारे आगे पहले लिखते हैं एक, इसलिए लिखते हैं कि ईश्वर एक है, और अंत में लिखते हैं आठ प्लस संसार बना है सारा, वो बना है प्रकृति से, प्रकृति से सारा संसार बना है। वो आप भी तो संसार में हो, आप भी प्रकृति से बने हैं, कि आपके सबके सही चाहे आप औरत हैं या मर्द हैं, बना है प्रकृति से। तो प्रकृति जो है वो है आठ, तो एक परमात्मा है और आठ प्रकृति है, इसके बीच में जो नाचता है वो जीरो है, बेकार नाचता है, उसे लगे जीवात्मा है जीरो, कुछ है नहीं, पर वो जीवात्मा कहलाता है, जीवात्मा कहलाता है, पर जीवात्मा वो है नहीं। अब देखो वो मैं सामने दिख रहा हूं, किसे दिख रहा हूं नहीं, तो मैं ये हूं या वो कर लो तुमने मैं उधर मुंह कर लो, मैं चला जाता हूँ यहाँ फिर क्या देखोगे उसमें, कुछ नहीं है, ये प्रकृति है शीशा, और उसमें ये है सत्य ब्रह्म है, तो ब्रह्म का तो प्रतिछाया उसमें दिखाई पड़ रही है, को जीव कहते हैं। ये जिसको ज्ञान हो गया है उसको 108 लिखते हैं। जिस जीव को ये पता लग गया कि ब्रह्म एक है और अविनाशी है, अब प्रकृति आठ है और नाशवान है और चेंजेबल है, ऐसे जीव को 108 कहते हैं, यानी वो सकते हैं, वो मान लिया है। क्यों वो दुखी होता है, ब्रह्म के साथ है, तो उसका नाम जीवात्मा क्यों पड़ गया है, पड़ गया कि वो है नहीं लेकिन है। अब शीशे में देखो, मैं तो शीशे में नहीं हूं, न होते हुए भी शीशे में मैं दिख रहा हूं, तो मेरा अंश है कि नहीं, तो मेरा अंश है, लेकिन ऐसा अंश नहीं है कि इसमें से काट के वहां रखा गया हो, अगर इसमें से काट के वहां रखेंगे तो ये आधा हो जाएगा, ये तो पूरा है, ये इसमें परफेक्शन है, ये परफेक्ट है ये, और इसको काट के वहां रखा भी नहीं गया है, खाली इसका भान होता है उसमें, सूरज एक ही है, सब पानी के तालाबों में सूर्य दिखाई देता है, खाली दिखाई नहीं देता है, वो सूर्य जैसा गोल भी है, सूर्य की चमक भी देता है, और वो उदय भी होता है, वो अस्त भी होता है, सारे काम करता है वो, लेकिन पानी सूख जाए तो सूर्य नहीं है, ऐसे ही है, जब पानी अगर ये सूख जाए शरीर, तब वो जीवात्मा नहीं है। तो इसलिए बताया कि ये जो आवाज अंदर से आती है, कि भाई ने पूछा कि मन की आवाज नहीं होती, आवाज जो आती है अंदर से वो जीव की आती है। अब जीव दोनों के बीच में है, इधर ब्रह्म के पास है और उधर प्रकृति के पास है,
प्रकृति के पहले और परमात्मा के बाद में। जब परमात्मा के साथ रहता है तो जीव की वैल्यू बढ़ जाती है, 10 गुनी हो जाती है। 1000 के आगे एक बिंदी लगा दो तो क्या हो जाएगा, 10,000। 1 के आगे बिंदी लगा दो तो 10। और प्रकृति के पहले जीव पड़ा रहे उसकी कोई वैल्यू नहीं है, यूजलेस है। 8 के पहले 1 0 लगा दो तो कितने हो गए, 80 हो गए क्या, नहीं हो गए। 2 0 लगा दो कुछ नहीं, 3 0 लगा दो कुछ नहीं। प्रकृति के पीछे रहने से उसकी कोई वैल्यू नहीं है और इसके बाद रहने से उसकी वैल्यू 10 गुनी हो जाती है जीव की। तो जीव जब इधर होकर के बोलता है तब अच्छी बात बोलता है और इधर होके बोलता है तब गंदी बात बोलता है। ये जीव ही है जो सुख और दुख का जानने वाला है, मानने वाला है, भुगतने वाला है। शरीर को तो कोई होता नहीं चाहिए, डॉक्टर साहब जब डिस्कनेक्ट कर देते हैं शरीर से, शरीर को काट डालते हैं। हमारे एक साथी आए तो वो ले गए ऑपरेशन थिएटर में, 11 घंटे तक अंदर रखा उसको, ऑपरेशन की टेबल के ऊपर टुकड़े कर दिए उनके पास, ये पैर यहाँ से लगा के सारा चीर दिया, पूरा हार्ट नसे निकाल, हार्ट को यहाँ से छीर दिया, हार्ट बाहर निकाल दिया। अब उसके शरीर में हार्ट भी नहीं और पैरों में से नाड़ियाँ निकाल दी। फिर उसने थोड़े दिन तक तो नकली हार्ट रखा, बाद में फिर असली हार्ट लगाया, तो हार्ट में जो नाड़ियाँ खराब हो गई थी वो पैरों में से निकाली थी, बारीक बारीक मोटी नहीं, और वो लगाई और वो ठीक। अभी वो जिंदा है, ये जानते हैं कि अपने नाम के तो बैठे हैं तुलसी जी है, ये भी करते हैं ना ये कर, तुम तो उसको जानते हो, एडी बड़ा को हुआ है कि नहीं, ये अभी जिंदा है। और उनकी घर वाली अब डेथ बेड पर पड़ी हुई है, इसका ऑपरेशन नहीं हुआ। तो ये शरीर को मैंने ये बताया कि शरीर को कोई कष्ट होता ही नहीं और सुख दुख भी नहीं है। जब आप नींद में सोए हो और कोई आदमी आके आपको जूता या चप्पल दिखावे तो तुम्हारे मुंह पे ये पड़ेगा, आपको कोई अपमान नहीं होता। जहां जीव की चेतना आई तो आपको एकदम ऐसा गुस्सा आता है, आग लग गई उठा के वापस समझ में आया कि ये सुख या दुख का अनुभव शरीर को नहीं और नहीं शरीर की कोई आवाज है, नहीं मन की कोई आवाज है, ये तो उनकी उसके मिलने से साउंड आती है। अब आप बताओ ये आवाज इस हाथ की है या इस हाथ की है, इसकी आवाज न इस हाथ की है न इस हाथ की है, दोनों के मेल की है। तो ये जीवात्मा का जब मेल होता है, जब प्रकृति का मेल होता है तो ये दुखी होता है और पुरुष का मेल होता है तभी सुखी होता है। प्रकृति का मेल होता है तो ये गंदी बातें सोचता है दूसरों के लिए, स्वामी जी आप चाहे कुछ भी कहो, मेरा पड़ोसी बहुत नालायक है उसको तो मैं मार के ही छोड़ूंगा। स्वामी जी ले लो, ये क्या बोल रहा है, आपका मन बोल रहा है, मन के बोल रहा है, पर मन तो कुछ बोलता नहीं है। मन के ऊपर जब वो पड़ती है इसको आहत की आवाज आती है, आहत कहते हैं आहत, ये आहत है। तबला क्यों बोलता है, जब तक तबले को कोई मारेगा नहीं तबला बोलेगा नहीं। ढोलक को जब तक मारेगा नहीं, एक बाजा पड़ा हुआ है
कई बार ये बड़े दुकानदार ये बोलते ही नहीं, जब तक इनको कोई मारेगा नहीं तब तक ये नहीं बोलेंगे। ये शरीर जब बोलता है या मन जब बोलता है, जब बोलता है जब इसके ऊपर मार पड़ती है, मार किसकी पड़ती है, जीवात्मा की। जीवात्मा की जो आवाज निकलती है उसके संग से अगर प्रकृति के संग से निकलती है तो दुखदायी है, और पुरुष के संग से निकलती है तो सुखदायी। बीच में अब आप फॉर इंस्टेंस आप बैठो, आप यहां बैठे हो ना अभी, आज मैं थोड़ी ऐसी बात कहूंगा जिसमें 2 घंटा लगेगा, तो आप सुनेंगे। इस समय आपका जो ये मन है वो ब्रह्म की तरफ चला गया, वो कहता है 2 घंटे नहीं 4 घंटे भी लग जाए बैठेंगे और सुनेंगे हमारे कल्याण की बात, पता लग गया कि मन आपका किधर चला गया। लेकिन जो आपके पीछे बैठा है वो कहता है कि महाराज 2 घंटे नहीं आप 1 घंटे भी बोलो हम नहीं बैठने के, हम तो चले जाएंगे अभी, तो हम इसलिए दरवाजे के पास बैठे हैं। हमने बोलना शुरू किया और हम उठ करके चल गए, वो क्यों उनको जाना है पार्टी में। अब पार्टी में जाकर जो वो आमलेट खाएंगे वो कैसे छोड़ देंगे, वो मजा यहाँ आएगा क्या आमलेट का है? और फिर पार्टी में ड्रिंक करेंगे, हर किसी पार्टी को मिस नहीं करेंगे मेरे आते तो। लेकिन जो भक्त लोग हैं वो पार्टी की परवाह नहीं करेंगे, वो मैं पार्टी की ऐसी भी तैसी जिंदगी में हजारों पार्टियां खाएंगे फिर खा लेंगे, कह जाते हैं पार्टी। तो ये जो आपका अंदर से बोल तक फैसला जो देता है ये अंतःकरण देता है, अंतःकरण ही तो क्वेश्चन करता है, अंतःकरण ही उसका जवाब देता है, और फिर अंतःकरण ही उसका निर्णय करता है कि ये ठीक है कि ये ठीक है। और तब आप अंतःकरण के आदेश के अनुसार ही आप काम करते हैं, उठ के चल देते हैं। देखो एक भाई गया भी उठ के नहीं, जरूर वो कोई और जरूरी काम था उसका जिसके सामने ये यहाँ की बातें ठीक बढ़िया नहीं थी तो चला गया। तो ये अंतःकरण करता है। अंतःकरण में 4 जने हैं, एक है ना नहीं, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये 4 जने इकट्ठे होते हैं तब ये अंतःकरण कहलाता है, और अंतःकरण ही पाप या पुण्य करता है, अंतःकरण ही राइट या रॉन्ग कहता है, और उसके हुक्म के अनुसार बेचारे बाह्यकरण, जो बाह्यकरण कुछ नहीं है, ये सोचते नहीं इनमें अकल नहीं होती है, अब हाथों में क्या अकल, हाथों में अकल नहीं है, अंतःकरण कहता है हाथों को कि देखो ये मर रहा है बेहोश हो गया है, इसको जल्दी पानी छांट के इसको जरा जिंदा करो, बेचारे की जान बच जाएगी, अंतःकरण कहता है। तो हाथ जाता है फौरन उसके ऊपर बैठता है, दवाई देता है, पानी छिड़कता है, उसको बच मिला। लेकिन अंतःकरण नालायक होता है, अंतःकरण क्या कहता है, अरे ये मर जाएगा, शायद जी भी जाए, उसके कहे कि इसकी गली तो उतार ले, ये मौका फिर कब मिलेगा, वो बेहोश पड़ा हुआ है और ये हाथ घड़ी उतार रहे हैं। पर उतारना काम हाथ का नहीं था, हाथ तो बाह्यकरण है, तो ऑर्डर उसको अंतःकरण से मिला है, ये तो दोनों काम करता है, ये किसी को थप्पड़ भी मार देता है और ये किसी की चमकी भी कर देता है। तो ये बाहर का हाथ जो है इसको पाप या पुण्य नहीं है, पाप और पुण्य तो आपके अंदर वाले को है, और अंदर वाला है अंतःकरण, और अंतःकरण है जीव, क्यों तो वो खुद कुछ करता नहीं है,
संसार में कोई भ्रष्ट काम करना है अंतकर्म को तो नहीं करता, बाह्य कर्म से करवाता है। मान लो कि किसी को गाड़ी देनी है तो मन थोड़ी गाड़ी देगा, जबान देगी। किसी की चोरी करनी है या क्या किसी की गर्दन काटनी है तो मन तो काट नहीं सकता, हाथ काटेगा। वो तो जीरो जीरो है, अंतर्गण जीरो है, वो करता है। उसमें दोनों का ये रिफ्लेक्शन करता है। तो जो मेरे भाई ने पूछा था कि वो जो और हमको जवाब अंदर से मिलता है वो मन का है या आत्मा का, तो वो न तो है मन का और न है आत्मा का, वो बीच में है जीरो। उस जीरो का आदेश है, जीरो अगर शुद्ध की तरफ है तो शुद्ध आदेश देगा और अशुद्ध की तरफ है तो अशुद्ध आदेश देगा। ये चश्मा है ना, और सामने किताब है या सामने तुम। अब आंख मेरी लाल नहीं है, पर ये शीशा अगर लाल है तो तुम सब लाल दिखाई दो, और अगर शीशा हरा है तो तुम सब हरे दिखाई दो, और शीशा सफेद है तो सब सफेद। तो मेरी आंख हरी नहीं है, लाल भी नहीं है, और तुम भी लाल भी नहीं हो और हरे भी नहीं हो। मजेदार बात तो ये है, ये बीच वाला जो है यही लाल है और यही हरा है, और ये जीरो है, ये न तो देख सकता है, देख नहीं सकता ये, पर इसके थ्रू होकर के देखती आंख की। समझ में आया ना आपके? तो हमारा जीवात्मा जो है वो अगर परमात्मा को मानता है तब उसके सारे विचार शुद्ध होते हैं। अब आप थोड़ी देर के लिए बोल दो कि आप यहां जो बातें सुन रहे हो आप सुनना चाहते हो या जानना चाहते हो? ये कौन बोल रहा है? जवान नहीं बोल रही है, पर आपने बोला जबान से ही, जबान का इससे कोई वास्ता नहीं है। वास्ता है आपके अंतकरण से, और अंतकरण आपका इस समय सत की तरफ है इसीलिए वो है, और असत की तरफ होता तो और जगह होता। मैं मलेशिया गया था, मलेशिया गया तो उस दिन इतनी भीड़ एयरपोर्ट के आई एयरपोर्ट पर, तो 25,000 आदमी। मैंने कहा हमको तो रिसीव करने के लिए इतने आदमी तो कभी आए नहीं, ये आज ऐसे कैसे आए? तो पता लगा कि उसके अंदर एक कोई औरत थी, वो आई, उसको रिसीव करने के लिए वो सब आए 25,000 आदमी। मैंने कहा भाई ऐसी ये क्या है, ये कोई महात्मा है या ये कहीं की क्वीन है? क्योंकि इनको ही रिसीव करते हैं हम तो। मैंने कहा नहीं समझिए, न तो महात्मा है और न ये क्वीन है, ये तो नाचने वाली है। मैंने कहा नाचने वाली इतने बड़े महाराज इतने क्या है, ये तो आज आई है, पर एक महीने पहले ही इसके जो टिकट थे वो सब बुकिंग हो गए हैं, और टिकट इसके जो हैं $500 के टिकट, एक टिकट $500 का, और जो लास्ट सीट होती है चवन्नी वालों की उनके लास्ट सीट के ऊपर भी $50। इतने रुपये ये क्या करें, कमाल का है। एक बार तो मेरे भी मन में आया कि मैं भी अगर यही करता पैसा आता है एक के वो शो में कितना।
मेरे को समझ ली कैसे करके कोई हिसाब ही नहीं है, इसने तो करोड़ों कमाया है। प्रेस रिपोर्टर भी आए हुए थे बहुत सारे, बाद में उसे पूछा तो उसने बयान कहा कि ये मेरा सारा यहाँ का अरेंजमेंट आने से पहले इसने किया, फादर ने किया, चर्च के जो फादर है फादर ने किया, चर्च के बड़े प्रिस्ट ने ये किया। तो इसके क्या कुछ सोने के गुरु लगे हैं डांस में? कहने तो कुछ नहीं है गुरु, ये सिर्फ इतना ही है जब ये डांस करती है तो उस समय करते करते वो ऐसे ढंग से करती है कि सारे कपड़े उसके अलग दे जाते, बिल्कुल नेकेड हो जाती है। इसके पैसे प्रेस रिपोर्टर ने उसे पूछा, उसने ये तुम्हारे अंदर क्या ड्यूटी है जो ये देखने आते हैं? उसने कहा ना तो वॉट एवर दे वॉन्ट टू सी दे हैव गॉट ऑलरेडी इन देयर रूम्स, देयर मदर, देयर डॉटर, देयर ऑल दे हैव सेम थिंग विच आई हैव, देयर नथिंग न्यू, कोई नया कुछ भी नहीं देखते मेरे से। पर ये आते इसी में खुश हैं तो ठीक है, मैं ये पैसा जो है सच को दे देती हूँ ईसाई बनाने के लिए, क्रिश्चियन धर्म को फैलाने के लिए, मेरा जीवन छीन लिया, मैंने मेरी बेटी को भी यही सिखा दिया है। मैंने आपको बताया कि ये अंदर से अंतःकरण हमको कहता है ये काम करो, और अंतःकरण ही कहता है ये काम मत करो, और अंतःकरण है जीरो, वो जीरो है आगवाने में गाने थोड़ी भरे पड़े हैं, खोल के देखो टेप रिकॉर्ड में तो फिर भी टेप के अंदर कुछ भरे हुए तो होते हैं, रिकॉर्डिंग किया हुआ होता है ना, इनमें तो कुछ भी रिकॉर्डिंग नहीं है किया हुआ, खाली पे की तो उंगली मार दें और जो मार दें वही वो बोल देता है, वो जीरो बोला तो ये है। अब इनको पूछो तो क्या बोला होगा, ये बोलो या तो कोई ड्रामा सिनेमा वाला कोई गाना गा दो, सिनेमा वाले गाने में आएंगे लोग वो इसमें तो कुछ कर, और टिकट भी आप लगाओगे तो टिकट दे करके भी आएंगे तो क्या देंगे आपको खूब डॉलर। लेकिन ये श्री कृष्ण शरण मामा जो है ये बहुत ऊंचा है महाराज, ये जीव का कल्याण करता है, नरक में से निकाल के स्वर्ग में ले जाता है, पर उनका अंतःकरण ये कहता है कि नहीं तो वहीं जाएंगे उसका डांस देखेंगे, और वो कहती है कि इनकी माँ में माँ के पास वही चीजें हैं जो मेरे पास है, क्या देखेंगे। अंतःकरण हमारा जो है वो जीरो है, अब उसको सत्संग कराना है यानी सत की तरफ ले जाना है अंतःकरण को, असत की तरफ नहीं। तो बोलो श्री कृष्ण शरणम मम, सबको बुलाओ, श्री कृष्ण शरण आनंद आवे
कृष्ण ये जो है श्री कृष्ण सामने एक ऐसा मंत्र है हर घड़ी अभी आपने गाया मानव लोक से मानव लोक मानव लोक कहाँ है देखा कभी बोरा जी नहीं जोशी जी हमारा एक टिकट मानव लोक का बुक कर अरे मानव लोक ये है हम बैठे हुए मानव लोक के अंदर ये फिर बार बार यहाँ नहीं आने एक मैं बैठे हो तो मानव लोक में श्री कृष्ण शरण मैं को तुम्हारे सारे विघ्न दूर हो जाएंगे सारे क्लेश दूर हो जाएंगे जब भी कोई दिक्कत आवे कोई तकलीफ आवे परेशानी आवे जोर से बोलना शुरू कर दो श्री कृष्ण शरण सारे इतना शक्तिशाली ये मंत्र है क्योंकि अंदर फिर वही तो गूंजेगा ना सारा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ये उत्तर है ये पूर्व है और ये पश्चिम है सब जगह ये गूंजेगा बड़ा अलौकिक मंत्र है इसका महत्व हर एक आदमी जानता है पर आप ऐसा करो बिना जाने की मोला ही करो खाली श्री कृष्ण शरण रास्ते में चले गए गिर पड़े तो करो श्री कृष्ण शरण एक्सीडेंट हो जाए अस्पताल भी चले जाओ तो वहाँ भी पड़े पड़े करो श्री कृष्ण शरण तो वहाँ भी पहुँचेगा अरे गजराज के लिए पहुंच गए थे वहां पे नहीं त्रिवेदी के लिए पहुंच गए तो मैरिड नहीं पहुंचे थे खाओ अंतःकरण से आप प्रेम से बोलो समय हो गया है अल्लाह प्रसाद लाए नहीं बेटा हाँ जय बोलो प्रेम के साथ ऊपर आज करके तो आपके प्रश्न का उत्तर जो ये भाई ने अच्छा प्रश्न पूछा था कि आवाज किसी की तो प्रदर्शन जाएगा आवाज किसकी है ये आहत आवाज है हाँ आत्मा की जो आवाज है वो अनाहत आवाज होती है अनाहत नाद कहते हैं ना वहाँ किसी को कुछ मारना नहीं पड़ता है वहाँ तो सारी मार बंद करो तब वो आवाज आती है अभी तो हमारे कई चपेटें लग रही है क्यों अंदर बहुत है एक दर तो घर वाली बैठी मार दे रही है चली गई घर से क्या करे तो दूसरी तरफ लड़का मार दे रहा है खाना नहीं मान रहा है किसी तरफ लड़की मार दे रही है उसने फ्रेंडशिप किसी से कर ली है तो चौथी तरफ हमारा नौकर मार दे रहा है माल लेके भाग गया है तो कितनी मारे बड़ी सारी आहत की आवाजें हैं अनाहत की जिस दिन आवाज आ गई भगवान और आप एक हो गए जीव और ब्रह्म एक हो गए यही एकत्व है यही योग है जीव और ब्रह्म का योग का नाम है योग अलग होने का नाम है तब आप भगवान की जय बोलो अभी तो जय हाथ से होगी आवाज मारने से किसी दिन अपने आप ही आवाज निकलेगी वो अनाहत होगा अनाहत ना होगी बोल कृष्ण चंद्र भगवान की जय ये रहो ये कमरा ही धन्य है गुरु गौरा जी का एक बार फिर प्रेम से बोलो बोल कृष्ण चंद्र भगवान की जय आपकी आवाज ये रही इतने आदमियों की और मैं अनाज न खाने वाले की आवाज नहीं होती है और अकेले की आप भी बोलो एक दो एक बार तो मेरी नकल कर लो तो उसे बोल दो आप अपने आपको डिबेट दे रही